शक्तिपीठ ज्वालामुखी में चैत्र नवरात्रि के अष्टमी वाले दिन विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही ज्वालामुखी मंदिर में तीन पुजारी निरंतर विश्व कल्याण और वैश्विक कोरोना महामारी से बचने के लिए हवन यज्ञ व पूजा पाठ करते रहे। दुनिया में व्याप्त इस महामारी से बचने के लिए सभी धार्मिक स्थलों को आम जनता व श्रद्धालुओं के लिए बंद किया गया है। इस तरह माँ ज्वालामुखी के कपाट भी बंद है। 5 पहर की आरती पुजारियों द्वारा विधिवत रूप से की जा रही है। मंदिर में सिर्फ कर्मचारी और सुरक्षा बल तैनात हैं, जो 24 घंटे मंदिर की चारों तरफ से सुरक्षा कर रहे हैं। मंदिर के कपाट अनिश्चितकालीन बंद किए गए हैं। पुजारी सौरभ शर्मा ने बताया कि अष्टमी के दिन माता क्या पूजा विधिवत रूप से की गई तथा विश्व कल्याण व कोरोना महामारी से विश्व शांति के लिए हवन कुंड में निरंतर पुजारियों द्वारा आहुतियां डाली जाएंगी। प्रशासन के आदेशानुसार पुजारी वर्ग की ओर से मंदिर में इस विषम के ऊपर जो प्रकोप है कोरोना वायरस जैसी महामारी का, इसके लिए हवन किया जा रहा है, ताकि जो ये कोरोना वायरस पूरे विश्व में अपना प्रकोप फैलाए हुए है, इसका निवारण करें। हम पुजारी वर्ग महामारी से ये प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इस महामारी से इस विश्व का कल्याण करें, इस महामारी को दूर करें। जय माता दी। SDM अंकुश शर्मा ने भी सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं देने के साथ साथ वैश्विक महामारी से बचने के लिए हवन यज्ञ अनुष्ठान व मंत्रोच्चारण शुरू किया, ताकि पूरे विश्व में जल्द ही शांति कायम हो। हमने आज से यहाँ पे एक हवन अनुष्ठान शुरू किया है, और इसका पर्पज़ ये है कि जो कोरोना महामारी सारे विश्व में फैली है, माता रानी से प्रार्थना की जाती है कि ये महामारी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए पूरे प्रदेश से, देश से और पूरे विश्व से। और इसके लिए हमारे तीन पुजारी लगातार आने वाले लगभग कुछ एक दिनों तक रोज़ यहाँ पे मंत्रोच्चारण और हवन किया करेंगे। और एक बार फिर से मैं आप सबको अष्टमी की शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद।